नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। ये घर की क्यारी में पालक लगाई हुई है और ये पालक जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पालक जो है हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के खा सकते हैं, जैसे गोश्त में डाल सकते हैं, चिकन में डाल सकते हैं और दाल पालक बड़ी मज़ेदार बनती है, आलू पालक बड़ी अच्छी बनती है। तो ये पालक का इस्तेमाल जो है ये बहुत ही वसी है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। इसमें आयरन भरपूर होता है और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने घर में थोड़ी सी जगह आपके यहाँ है या फिर छत के ऊपर अगर आपके पास जगह है तो वो किसी ड्रमी में या किसी डब्बे में मिट्टी डाल के तो उसमें ये काश्त करें और ये जल्दी उग जाती है। और फिर ये एक दफ़ा काटें तो दूसरी दफ़ा फिर उसमें से निकल आती है। अब ये देखें, हमने ये इसको तकरीबन 3 दफ़ा काट लिया है और अभी फिर ये निकल रही है। तो इसको एक तो ये है कि अपने रोज़मर्रा इस्तेमाल में हर दाल में, सब्ज़ी में, गोश्त में, चिकन में और इस तरह की जो आलू में तो चीज़ें आती हैं तो इसमें ये डाली जा सकती है। तो ये इसमें डाल के इसको पकाएं तो बड़ी ये ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ी ताकतवर चीज़ है। ये बच्चे, बड़े, बूढ़े सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो पकोड़ों में भी ये डाल के लोग बनाते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अपने घर में खुद उगाएँ। सस्ता सा इसका बीज मिल जाता है बाज़ार से, वो साशे पैक में आपको मिल जाएगा, 20-30 रुपए का साशा मिलेगा। तो ये मिट्टी को बना के इसके ऊपर अपने लाइनों में या बराबर फासले पे 2-2, 3-3, 4-4 बीज चुंडी के लगा के उसमें रख दें। तो ये आपने इसको इस तरीके से अगर लगा लेते हैं घर में हो जाएगी तो पालक का फिर आपका जो है ना घर में ही इसको अपने इस्तेमाल करेंगे और जब चाहेंगे आप ताज़ा पालक काट के तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर कोई केमिकल की खाद या दवाई हमने इस्तेमाल नहीं की है, ये प्योरली खालस देसी हमने इसमें गली सड़ी जो पुरानी गोबर की खाद होती है वो डाली है और इसके ऊपर किसी किस्म का कोई बीमारी का अटैक नहीं है, किसी किस्म का कोई कीड़े का अटैक नहीं है। तो ये जो हम केमिकल खादें या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो फिर इसके ऊपर बीमारियाँ और ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए ये केमिकल खादें और दवाइयाँ इसमें नहीं डालनी है। आपने गोबर की गली सड़ी खाद जो है ना, जब इसकी मिट्टी बनानी है तो उसमें आधी ये जो है ना अपने वो डालें, आधी मिट्टी डालें और आधी रेत डालें। तो इस तरह इसकी जो है ये मिट्टी ज़मीन बन जाएगी, तो इस ज़मीन में फिर इसको ये डालनी है, गमले में भर लें, डब्बे में भर लें या क्यारी में। तो क्यारी की जो मिट्टी पहले ही ऑलरेडी वो होगी तो उसमें तो एक तगारी जो है ये 5x5 की हमारी क्यारी है, 5x5 फुट की। तो इसको आप इसमें डाल लें, अपना एक तगारी, दो तगारियां जो है ना ये गोबर डाल लें और दो तगारियां रेत डाल लें और इसमें मिक्स कर दें क्यारी के अंदर। तो इसको अच्छे तरीके से हमवार करके, भुरभुरा करके, मिट्टी को बारीक करके तो इसके अंदर बीज लगा के ऊपर शावर से पानी लगा दें और अच्छे तरीके से इसको हल्का, पहले शुरू में हल्का हल्का पाइप से पानी लगाएं ताकि ये जो है ना ये उग गए। उसके बाद फिर इसको पानी लगाए रखें, पानी की इसको खुश्की नहीं आने देनी और ये बड़ी अच्छी जो है ना ये आपको अपने फल देती रहे, अपने पत्ते इसके जो है ना ग्रो करते रहेंगे और आप इसको काटते रहेंगे और खाते रहेंगे। तो ये घर की सब्ज़ी होगी, इसमें आपको बड़ा इंशाल्लाह मज़ा आएगा और सेहत भी बनेगी। बहुत शुक्रिया।